हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल साइंस क्लास। बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डू नेचुरल वेजिटेशन। बिफोर दैट वी हैव डिस्कस द सीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया में जो डिफरेंट सीजन्स हैं, कोल्ड वेदर, हॉट वेदर, मॉनसून और रिट्रीटिंग मॉनसून, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल दीज। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेचुरल वेजिटेशन। फर्स्टली, वॉट इज नेचुरल वेजिटेशन? Natural vegetation means the vegetation that grows itself without human activities due to climatic condition and relief feature. वो vegetation, वो plants or trees जो अपने आप grow करते हैं climate के changes की वजह से और land के changes की वजह से, okay, without human activities. ह्यूमन बींग उन्हें ना वाटरिंग करता है, ना फिर ना ही उनको ग्रो करता है, वो बाय नेचर ही ग्रो होते हैं। यू हैव सीन सो मैनी ट्रीज अराउंड योर एरिया, तो वहाँ पर वो क्या हमने ग्रो किए? नो, दीज ट्रीज ग्रो इट्सेल्फ, अपने आप ही वो ट्रीज ग्रो हुए हैं, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज नोन एज नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन चेंजेस विद द चेंज इन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेचर। जैसे जैसे रेनफॉल कम या ज़्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग ही वेजिटेशन भी चेंज हो जाएगी, और टेम्परेचर के भी हाई या लो रहने के कारण उसी के अकॉर्डिंग एक एरिया में प्लांट्स ग्रो होते हैं, ओके। रिलीफ फीचर मीन्स लैंडफॉर्म, कि इट इज़ अ माउंटेन और अ प्लेट्यू और अ प्लेन, ठीक है, और अ वेट एरिया। तो इस तरह के डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, वहाँ पर डिफरेंट वेजिटेशन होती है, डिफरेंट सॉइल्स में डिफरेंट प्लांट्स ग्रो करते हैं, ओके। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द डिफरेंट वेजिटेशन ऑफ आर कंट्री। वी हैव डिवाइडेड इट इनटू फाइव ग्रुप्स। हाउ मेनी ग्रुप्स? फाइव ग्रुप्स। हमने इसे फाइव ग्रुप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेकेंड, ट्रॉपिकल डेसीडस फॉरेस्ट। थर्ड, थॉर्नी फॉरेस्ट। फोर्थ, मैनग्रोव वेजिटेशन। एंड फिफ्थ, माउंटेन वेजिटेशन। दीज आर द फाइव मेन टाइप ऑफ वेजिटेशन। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एज द नेम शोज, एवरग्रीन, हमेशा ग्रीन रहने वाला, ओके। तो जस्ट टेल मी कि ग्रीनरी कब ज़्यादा होती है? वेन देयर इज हाई रेनफॉल। वेरी गुड। जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है रेनी सीजन में, हर तरफ ग्रीनरी हो जाती है, राइट। सो वन रीज़न इज देयर कि ये ट्रीज हमेशा ग्रीन रहते हैं ड्यू टू हैवी रेनफॉल। बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है इस एरिया में, इसलिए ये ट्रीज हमेशा ग्रीन होते हैं, ओके। एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया ऑफ ट्रॉपिक रीजन। जो ट्रॉपिकल रीजन है उस एरिया में मिलते हैं ये, और यहाँ पर हैवी रेनफॉल के कारण ये ट्रीज ग्रो करते हैं। एंड दे नेवर शेड देयर लीव्स। वो कभी अपने लीव्स शेड नहीं करते। शेड करना मीन्स झड़ जाना, ठीक है। जैसे हमारे आसपास के जो ट्रीज हैं उनके लीव्स विंटर में येलो होकर शेड हो जाते हैं, है ना। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट नेवर शेड देयर लीव्स। वो कभी भी अपने लीव्स को शेड नहीं करते। दे ग्रो इन द रीजन ऑफ हैवी रेनफॉल ओवर 200 सेंटीमीटर पर एनम। वो हैवी रेनफॉल जहाँ पर होती है उस एरिया में ग्रो करते हैं। एंड इन आर कंट्री दीज एरियाज आर अंडमान निकोबार आइलैंड, वेस्टर्न घाट एंड द वेट नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्टर्न हिली पार्ट्स। दीज आर द मेजर एरियाज वेयर वी फाउंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ओके। दीज फॉरेस्ट आर डेंस एंड रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। हैवी रेनफॉल के एरिया में अंडमान निकोबार, जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, दिस एरिया जो कोस्टल एरिया है, यहाँ पर
आसाम का एरिया, नॉर्दर्न एरिया जो है नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो आइलैंड एरिया है यहाँ पे, लक्षद्वीप्स, इन एरिया में हमें हाई रेनफॉल के कारण एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड होते हैं. ओके, नॉट इन लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिली पार्ट. ओके, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न हिली पार्ट एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, इन एरियाज में हमें हैवी रेनफॉल के कारण रेन फॉरेस्ट फाइंड होते हैं. ओके, एंड दीज फॉरेस्ट आर डेंस, ये बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं बिकॉज दे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. एंड फॉरेस्ट आर टॉल, बहुत ज़्यादा टॉल है, विद हार्डवुड, महोगनी, रोजवुड, इबोनी, बैम्बू आर द टिपिकल स्पीशीज ऑफ दीज ट्रीज. ओके, तो जो ये नेम है महोगनी, रोजवुड, इबोनी एंड बैम्बू, ये सब ट्रीज रेन फॉरेस्ट ट्रीज का एग्जाम्पल है या एवरग्रीन फॉरेस्ट के ट्रीज का एक एग्जाम्पल है. ओके, हेयर इज द पिक्चर ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट. यू कैन सी दीज आर डेंस, बहुत ज़्यादा घने हैं. एंड एवरी ट्री इज लुक्स ग्रीन, ठीक है, हर ट्री क्या कैसा दिखाई दे रहा है, इट इज लुकिंग ग्रीन. ओके, सो दीज आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट. नेक्स्ट इज डेसिजस फॉरेस्ट, दीज आर द डेसिजस फॉरेस्ट. ओके, दिस इज द डेसिजस फॉरेस्ट. द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर नॉट वेरी हाई, ये बहुत ज़्यादा हाई नहीं होते हैं. एंड दे शेड देयर लीव्स वंस इन अ ईयर इन ड्राई सीजन, वो ड्राई सीजन में एक बार अपने लीव्स शेड कर देते हैं. ओके, एंड दे ग्रो इन द एरिया वेयर द रेनफॉल इज इन बिटवीन 100 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर, ठीक है, ये उन एरियाज में ग्रो करते हैं ट्रॉपिकल डेसिजस फॉरेस्ट जहाँ पर रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है. ओके, एंड इट कवर्स मेजर पार्ट ऑफ आर कंट्री, क्लियर. एंड मेन ट्रीज आर साल, शीशम एंड पीपल, सैंडलवुड, ओके, दीज आर द मेन ट्रीज, ये मेन ट्रीज हैं ट्रॉपिकल डेसिजस फॉरेस्ट के, क्लियर. एंड वेयर वी फाउंड दीज, हमें ये कौन से एरियाज में मिलते हैं, येस यू कैन सी दीज, दिस इज द पिक्चर ऑफ थॉर्नी फॉरेस्ट, ठीक है, आपने अपने आसपास इस तरह के ट्रीज को देखा होगा. तो दिस इज द कीकर ट्री, राइट, एंड द लीव्स आर वेरी मच स्मॉल एंड इट हैज़ थॉर्न, ठीक है, और इन थॉर्नी ट्रीज के कारण ही हम इस फॉरेस्ट को थॉर्नी फॉरेस्ट कॉल करते हैं. ओके, एंड दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया ऑफ ड्राई सीजन, जहाँ पर लेस रेनफॉल है विद हाई टेम्परेचर. ओके, इन अनदर पिक्चर यू कैन सी देयर आर कैक्टस एंड बुशेज ऑल्सो. ओके, एंड दैट इज द स्मॉल ट्री, यू कैन सी द हाइट ऑफ दिस ट्री इज नॉट सो मच, कम हाइट का है ये, और आसपास कैक्टस भी विजिबल हैं और बुशेस भी विजिबल हैं. ओके,
तो बहुत कम वेजिटेशन होती है इन एरियाज में, एंड मैक्सिमम जो वेजिटेशन है वो थॉर्नी ट्रीज है. ओके, सो इन आर कंट्री वी फाउंड इन द एरिया ऑफ राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एंड सम पार्ट ऑफ गुजरात ऑल्सो. नेक्स्ट इज टाइडल वेजिटेशन. टाइडल वेजिटेशन और मैनग्रोव फॉरेस्ट. मैनग्रोव इज अ टाइप ऑफ ट्री दैट ग्रो इन वाटर बट द रूट्स ऑफ दीज ट्रीज आर अपवर्ड्स. मैनग्रोव ट्री का नेम है जो डेल्टा रीजन में, वेट रीजन में, वाटर वाले रीजन में अवेलेबल है. ओके, सो मैनग्रोव वेजिटेशन ग्रोज वेल इन द लोलिंग डेल्टा रीजन अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. ईस्टर्न कोस्ट के पास जहाँ पर डेल्टा फॉर्म होते हैं वहाँ पर हमें मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं. द डेल्टा रीजन ऑफ गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आर फ्लडेड बाई टाइडल वेव्स इन डेल्टाज में बिकॉज दीज आर लोलिंग एरियाज, तो यहाँ पर टाइड्स आती हैं. ठीक है, टाइडल वेव्स आती हैं और जो वाटर है वो लोलिंग एरिया में कलेक्ट हो जाता है, तो ये एरिया अपने आप में एक वाटरी एरिया, वेट एरिया डेवलप होता है. ओके, द टाइडल वेजिटेशन ग्रो इन स्वैम्प्स एंड मार्शेज ऑफ सॉल्ट एंड फ्रेश वाटर. जहाँ पर वाटर इकट्ठा हो जाता है, जहाँ पर फ्रेश वाटर या सॉल्टी वाटर कलेक्ट होता है, उन एरियाज में टाइडल वेजिटेशन ग्रो होती है. ओके, एंड मैनग्रोव इज अ वेजिटेशन, टिपिकल वेजिटेशन ऑफ टाइडल फॉरेस्ट. सुंदरी इज द इम्पॉर्टेंट ट्री ऑफ दीज फॉरेस्ट एंड दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट. सुंदरी कहाँ पर हमें मिलते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में. ओके, इन दिस एरिया गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में हमें सुंदरी ट्रीज मिलते हैं एंड दैट्स वाई द एरिया इज नोन एज सुंदरबन. इसीलिए इस एरिया को हम सुंदरबन एरिया या सुंदरबन डेल्टा कॉल करते हैं. ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ मैनग्रोव ट्रीज. ठीक है, ये मैनग्रोव ट्रीज की पिक्चर है एंड इसमें यू कैन सी के रूट्स जो हैं वो अपवर्ड्स हैं. रूट्स पानी से बाहर आ जाती हैं फॉर एयर, फॉर गेटिंग एयर. ठीक है, एयर लेने के लिए वो अपने वाटर से बाहर निकल जाती हैं एंड दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन वी कैन फाउंड इन लोलिंग डेल्टा एरियाज. ठीक है, स्वैम्प्स में, उन एरियाज में, मार्शेस एरिया में हमें टाइडल वेजिटेशन मिलती है, जिसे हम मैनग्रोव वेजिटेशन भी कॉल कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज माउंटेन वेजिटेशन. नाउ एज द नेम शोज माउंटेन, इट मींस दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन कैन बी फाउंड इन माउंटेनियस एरियाज. माउंटेन्स पर ये वेजिटेशन हमें मिल सकती है. ओके, इट इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल विद हाइट. यहाँ की जो वेजिटेशन है वो टेम्परेचर और हाइट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है. ओके, और जो टेम्परेचर है वो भी जैसे जैसे हम हायर मूव करते हैं तो टेम्परेचर भी लो होता है और रेनफॉल भी लो हो जाती है. ठीक है, बोथ द थिंग्स, रेनफॉल एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस विद हाइट. ओके, और डिफरेंट टाइप के हमें वेजिटेशन मिलती है कहाँ पर? फॉरेस्ट, माउंटेन्स पर. ठीक है, माउंटेन्स में कहाँ पर मिलती है? फर्स्ट 1000 meters पे वी फाउंड मानसून फॉरेस्ट. ओके, 1000 meters पर हमें मानसून फॉरेस्ट मिलते हैं. देन इफ वी मूव अपवर्ड्स, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जो मानसून फॉरेस्ट हैं, जो मानसून ट्रीज हैं, वो रिप्लेस हो जाते हैं ब्रॉड लीव ट्रीज से, ओक, चेस्टनट, पाइन एटसेट्रा. और ये फॉरेस्ट हमें किस हाइट पे मिलते हैं? 2000 meters. ओके, 1000 तक हमें कौन से ट्रीज मिले? मानसून फॉरेस्ट. ठीक है, कहाँ तक? 1000 meters तक. 1000 से 2000 तक गए, देन वी फाउंड
ब्रॉड लीव ट्रीज, इस एरिया में ब्रॉड लीव ट्रीज मिले हमें. ओके, देन वी मूव अपवर्ड्स, हम और ऊपर गए तो क्या हमें फाउंड हुआ, द बेल्ट ऑफ कॉनिफेरस ट्रीज. इट मीन्स जो कोन टाइप के फॉरेस्ट हैं, जो कोन टाइप के ट्रीज हैं, उस तरह के ट्रीज हमें 1600 मीटर से 3300 मीटर तक अवेलेबल हैं. ओके, फर, सिल्वर फर, पाइन, स्प्रूस, सिदार, ये सब मेन स्पीशीज हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट की. ओके, एंड आफ्टर कॉनिफेरस फॉरेस्ट देयर इज अल्पाइन वेजिटेशन. यहाँ पर अल्पाइन वेजिटेशन मिलती है जिसमें बहुत स्मॉल ट्रीज, ग्रासेस और मोसेस एंड लिचन्स होती हैं, यानी कि काई जैसा छोटे छोटे पौधे, बिल्कुल स्मॉल. ठीक, स्मॉल ग्रासेस एंड स्मॉल ट्रीज वी फाउंड आफ्टर द कॉनिफेरस ट्रीज एंड दिस इज कॉल्ड अल्पाइन वेजिटेशन. ओके, तो एक माउंटेन पर ही हमें डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशंस मिलती हैं. फर्स्टली थाउजेंड पर, थाउजेंड मीटर्स में हमें क्या मिलता है, मॉनसून फॉरेस्ट. ओके, थाउजेंड से 2000 तक वी फाइंड ब्रॉड लीव ट्रीज. वेरी गुड, ब्रॉड लीव ट्रीज. ओके, 2000 से पहले 1600 से 3000 तक देर आर कॉनिफेरस फॉरेस्ट. ठीक है, एंड अबव इट देर इज अल्पाइन वेजिटेशन, इसके ऊपर अल्पाइन वेजिटेशन है, हमें वो मिलती है. क्लियर? सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन वी कैन फाइंड ऑन द माउंटेन्स. ओके, सो दिस इज अबाउट द डिफरेंट वेजिटेशन ऑफ आर कंट्री. देयर आर रेन फॉरेस्ट ऑल्सो, डेसीजस फॉरेस्ट ऑल्सो, थॉर्नी फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट एंड माउंटेन वेजिटेशन और माउंटेनियस फॉरेस्ट. सो दीज आर बिकॉज ऑफ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स एंड डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन. कीप इट इन माइंड कि ये जितने भी चेंजेस आए हैं वेजिटेशन में, ये वहाँ के एरिया के क्लाइमेट और सॉयल और लैंडफॉर्म के कारण ही डिफरेंट हुए हैं. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.